यस यस यस, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल नाउ? ठीक है, एक बार चैट में बता दो अभी वापस से क्या आवाज आ रही है आप सभी को. ठीक है, लेट मी नो इन द चैट्स बच्चा लोग, फास्ट. अभी आवाज आ रही है सभी को? ओके, ग्रेट. आई डोंट नो, थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू छे. ठीक है, राइट. तो स्टूडेंट्स देखो, हम विच इज एनिमल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, विच इज प्रारंभ करने जा रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन. ठीक है, जिसमें अपन ने हे हाय हाय हाय. ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन अपन देख रहे हैं. बहुत सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देखने वाले हैं. अभी पहले ही, कुछ समय पहले अपन ने स्टार्ट किया था. ठीक है, लेकिन कुछ रीजन के वजह से अपन इसको बंद किए, क्योंकि थोड़ा मतलब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा था. आई डोंट नो, आई गेस अभी नोटिफिकेशन आ गया है सबको. ओके, बहुत बढ़िया. स्टूडेंट्स देखो, वापस से शुरुआत करते हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर हम देख रहे हैं. एनिमल क्लासिफिकेशन, सभी को वेलकम भाई. रात के सेशन में सभी का वेलकम है. आ जाओ भाइयों और बहनों, छोटे भाई बहन, आ जाओ फटाफट से, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं एनिमल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर. बहुत सारे बच्चे यही कमेंट कर रहे थे, भैया कब लोगे आप ये चैप्टर? बायोलॉजी का हमारे स्कूल में चैप्टर सिखाया, लेकिन हम इस टाइम पे हम सो गए थे क्लास में, हमको नहीं समझ में आया था क्या क्या चीजें हैं. और भैया एनिमेशन तो ठीक है, लेकिन हम एग्जाम में जाके किस प्रकार से प्रेजेंट करें हमारे आंसर्स को? हमको एक अच्छा सा नोट्स बना के दे दो. ठीक है, तो आपके सामने भैया नोट्स बनाएंगे, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. और ये नोट्स मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम के लिंक, वहां पे जाके आप नोट्स का एक्सेस ले सकते हो. ठीक है, वहां पे जाते हैं, आप नोट्स का जो एक्सेस है वो ले सकते हो. ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स देखो, अपन ने थोड़ा शुरुआत कर दिया था. वापस एक बार बता रहा हूं, वापस एक बार बता रहा हूं. सर आपके इंपॉर्टेंट क्या रियल है? नहीं बेटा, टाइम पास कर रहा हूं मैं इधर. ठीक है, आपके साथ टाइम पास कर रहा हूं मैं. ठीक है, रियल है क्या पूछ रहे हो आप? मैं भाई बोलता हूँ, अगर रियल नहीं लगता है बेटा अभी के अभी, तो वीडियो छोड़ के जा सकती है भारती. ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी चीजों पे डाउट मत करते जाओ. आपको अगर मैं कुछ चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो पूरा फेथ के साथ उस पर भरोसा रखो, नहीं तो नहीं होने वाला है तुमसे. ठीक है, और तू डाउट का पूछ रही है भारती, मुझे एक चीज बताओ, मैंने जो चीज आपको दी है, क्या आपने सही में उस चीजों को एग्जीक्यूट किया है अभी तक? ठीक है, तो जो चीजें मैं आपको बताता हूँ, उस पर पूरा के पूरा विश्वास रखते जाओ. ठीक है, उस पर पूरा के पूरा विश्वास रखते जाओ. अगर आप विश्वास नहीं रखोगे, एट द एंड आपको उसका रिजल्ट, उसका फल नहीं मिलेगा. ठीक है, हेलो दादा, कसा है? एकदम टकाटक. ओके स्टूडेंट्स, टॉपिक पे आएंगे. ठीक है, एनिमल क्लासिफिकेशन बच्चा लोग, एनिमल मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू में होते हैं. ठीक है, छोटे छोटे क्रिएचर्स ले लो, आजू बाजू के जो भी एनिमल्स होते हैं, वो सभी चीजें, तो उनको हम कहते हैं एनिमल्स. और क्लासिफिकेशन मतलब कि बच्चा लोग वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब कि उनको डिवीजन करना, अलग अलग करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे सोसाइटी में भी ह्यूमंस को हम दो दो हिस्सों में अलग अलग करते हैं. एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल. बरोबर, जो फीमेल होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट, उनके कुछ पार्ट्स होते हैं. एट द सेम वे मेल होते हैं, मेल के कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि फीमेल से अलग होते हैं. तो इस पर्टिकुलर बेसिस पे हम उनको अलग अलग करते हैं. तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है स्टूडेंट्स कि वी सी वराइटी ऑफ एनिमल्स. हम जो होते हैं, हमारे आजू बाजू में बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं. कोई एनिमल्स बड़े होते हैं, ठीक है, तो कोई एनिमल छोटे होते हैं. कोई एनिमल्स टेरिस्ट्रियल होते हैं, तो कोई एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. टेरिस्ट्रियल मतलब कि जो जमीन पे चलने वाले एनिमल्स होते हैं. एक्वेटिक मतलब कि बच्चा लोग जो पानी पे, मतलब पानी के अंदर होते हैं, उनको हम कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं. क्रॉल मतलब समझता है, जो सांप कैसे होते हैं वो वाले. ठीक है, तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स कैसे होते हैं बच्चा लोग? क्रॉल करते हैं. ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने जो फिशेस होते हैं, ठीक है, अपने जो फिशेस होते हैं, फिश, तो फिशेस के पास क्या होता है बच्चा लोग? फिशेस के बाद होता है फिन्स. ठीक है, फिश जो होते हैं उनके पास क्या है? फिन्स.
ठीक है, और वो फिन से क्या कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं पानी में। उसी के साथ अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के पास क्या होते हैं, विंग्स। ठीक है, जैसे फिशेस के पास फिन्स होते हैं, उसी प्रकार से फिन्स मतलब वो होता है ना रे, फिश मालूम है ना तुमको, ठीक है, फिश मालूम है ना ऐसे। तो ये जो होते हैं, दिस आर द फिन्स, ठीक है, सस्ता वाला फिश है अभी ये, दिस आर द फिन्स। और जो बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स के ये जो होते हैं, ये होते हैं विंग्स, ठीक है, विंग्स और फिन्स स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके पास स्केल्स होते हैं, ठीक है, स्केल्स। अभी यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, पॉइंट वाइज मैं लिख के दे रहा हूँ कि सम एनिमल्स हैव स्केल्स, ध्यान से सुनना, ठीक है, सम एनिमल्स, कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके पास होते हैं हैव स्केल्स, ठीक है। स्केल्स मतलब मालूम है ऐसे, उनके शरीर पे ऐसे लाइंस होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्केल्स। और वो जो स्केल्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं इनर लेयर, दे प्रोटेक्ट इनर लेयर, ठीक है, अंदर की लेयर, दे प्रोटेक्ट इनर लेयर। और इसी को अपन कहते हैं एक्सोस्केलेटन, इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चा लोग, एक्सोस्केलेटन, एंड इज नोन एज, इसी को अपन क्या कहते हैं, एक्सो स्केलेटन। समझा, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है कि बच्चा लोग, कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पे स्केल्स होते हैं जो कि इनर लेयर को क्या करते हैं बच्चा लोग, प्रोटेक्ट करते हैं, और उसी को अपन कहते हैं एक्सो स्केलेटन। अभी अगर मैं एक्सो स्केलेटन की बात करूं तो एक्सो स्केलेटन जो होते हैं, जो बर्ड्स के पास होते हैं, बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन होते हैं उनके फेदर्स, उनके फेदर्स, फेदर्स मतलब कि बच्चा लोग उनके जो पंख होते हैं, ठीक है, फेदर्स मतलब कि क्या, उनके जो पंख होते हैं, पंख, उसको अपन कहते हैं क्या, एक्सोस्केलेटन। यह है फर्स्ट वाला। और ह्यूमंस में उसी प्रकार से, ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में होते हैं बाल, बाल मतलब कि अपने हेयर, ये जो हाथों पे हेयर है ना। तो ह्यूमंस में अगर स्टूडेंट्स आपको बोला कि ह्यूमंस में एक्सोस्केलेटन क्या है, तो ह्यूमंस में एक्सोस्केलेटन क्या है, विच इज हेयर्स। और अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन क्या होगा, यस बच्चा लोग, बर्ड्स में एक्सोस्केलेटन क्या होगा, विच इज फेदर्स या फिर पंख। भैया प्लीज ऑल्सो गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैंने बहुत वीडियोस बना के रख दिए पहले ही, आप जाके देख लेना। लव फ्रॉम नासिक, थैंक यू सो मच, ढेर सारा प्यार आपको भी, ठीक है, समझ गया है बच्चा लोग इधर तक। एक बार चैट में लिखो फटाक से। ठीक है, फटाफट चैटा मारो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ गया है। विंग्स, ओके ग्रेट। अभी अगर स्टूडेंट्स हम देखें, ध्यान से सुनना, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहा हूं, अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो देर आर 7 मिलियन एनिमल स्पीशीज, स्पीशीज की बात कर रहा हूं, 7 मिलियन स्पीशीज, मतलब 7 मिलियन स्पीशीज मतलब क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, देर आर कितने हैं बच्चा लोग, 7 मिलियन, 7 मिलियन मतलब कि बच्चा लोग 70 लाख, ठीक है, 7 मिलियन मतलब कि क्या होते हैं, 70 लाख एनिमल्स के स्पीशीज है भाई, एनिमल्स के क्या है, स्पीशीज है, स्पीशीज मतलब कि प्रजाति, ठीक है, स्पीशीज मतलब कि क्या, प्रजाति। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख के दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है, मतलब प्रजाति होते हैं इतने सारे। और इसी के वजह से यही सबसे बड़ा रीजन है, देयरफॉर वी नीड टू क्लासीफाई देम, इसी के वजह से अपने को उनको क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। क्यों बच्चा लोग, क्योंकि वो बहुत सारे भाई, ठीक है, ह्यूमंस में जैसे मेल फीमेल होते हैं, ठीक है,
उसी प्रकार से एनिमल्स में 70 लाख स्पीशीज है, 70 लाख, यू कांट इमेजिन दैट। स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं, एक एक एनिमल की बात नहीं कर रहा हूं कि एक कुत्ता, दो कुत्ता, तीन कुत्ता, चार कुत्ता, वो भी इसमें आता है। कुत्तों की प्रजाति मतलब डॉग्स की प्रजाति, जैसे ब्रीड्स होते हैं ना, अलग अलग ब्रीड्स, तो मैं वो ब्रीड्स की बात कर रहा हूं। मतलब इतने सारे ब्रीड्स है, इतने सारे प्रजाति है, समझ में आया मेरी बात? ठीक है, जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज है, लेकिन ह्यूमंस में अलग अलग कास्ट, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, तो हम उनको अलग अलग नहीं करते। ह्यूमंस को हम दो ही चीजों में डिवीजन किया, एक मेल में एक फीमेल में, बात समझ में आया? लेकिन एनिमल्स के 70 लाख एनिमल स्पीशीज है, मतलब इतने सारे स्पीशीज है, आप इमेजिन करो कैसा उनको, मतलब किस प्रकार से उनको, किस बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हमको एनिमल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर दिया गया है, बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई? अभी यहाँ पे आपको एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूं मैं, ठीक है। सिमिलर एनिमल्स आर इन द सेम ग्रुप, ध्यान से समझना, मतलब कि जो सिमिलर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो अपने क्या होते हैं, जो अपने सिमिलर एनिमल्स होते हैं, आर इन सेम ग्रुप, मतलब कि उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। उनको कैसे ग्रुप में रखा जाता है, उनको अपन एक ही ग्रुप में रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हो गया, ठीक है, तो बर्ड्स का एक ग्रुप बना दिया। तो जिन भी एनिमल्स को, मतलब कि जिन भी बर्ड्स को क्या क्या होंगे, उनके कैरेक्टर्स, फेदर होंगे, ठीक है, उनको बीक होगा, बीक मतलब चोच, ठीक है, फिर वो अंडे दे रहे होंगे, राइट। तो ये सभी चीजें उनमें कॉमन है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एज अ कैरेक्टर्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एज अ कैरेक्टर्स, बात समझ में आई? तो सिमिलर एनिमल्स जो होते हैं उनको हम एक अलग अलग ग्रुप्स में अपन डिवीजन करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो रही है, ठीक है, आई होप यहां तक समझ गया होगा। ग्रुप्स, और हम अभी बात करने वाले हैं सब ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। अभी हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफ देख लेते हैं, मतलब कि डेफिनेशन हम इसकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, ध्यान से सुनना, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इनटू, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है, एनिमल्स की ग्रुपिंग करना किसमें, ग्रुप्स में, और साथ ही सब ग्रुप्स में, मतलब ग्रुप्स में तो करे और उसके सब ग्रुप्स भी बनाए, मतलब क्वेश्चन तो दिया है लेकिन उसका सब क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी, उसी प्रकार से ग्रुप्स अपन ने बनाए एनिमल्स के, फिर तो उसके अंदर सब ग्रुप्स भी बनाए, लेकिन ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज मतलब क्या बच्चा लोग, कि भाई उनमें क्या क्या चीजें कॉमन है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज, और साथ ही डिफरेंसेस, उनमें क्या क्या चीजें अलग अलग है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड ऑल्सो ऑन देयर डिफरेंसेस, इसी को कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन, बात समझ में आई? इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लियर? यस, लेट मी नो इन द चैट्स। देखो 70 लाख स्पीशीज है बच्चा लोग, कितने हैं, अराउंड अराउंड 70 लाख स्पीशीज है। उन 70 लाख स्पीशीज को भी अलग तो करना पड़ेगा ना, तो अलग करने के लिए भाई अपने को ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, अपने को सब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। और वो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, उनके सिमिलर टॉपिक्स पे, मतलब वो सिमिलर होंगे क्या, उनके कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर है क्या, कुछ डिफरेंसेस है क्या उनके बीच में, उन पे उनके बेसिस पे अपन करेंगे, और इसी पूरे इसको हम कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। क्लियर बच्चा लोग? यस एवरीवन, देखो बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। इस सम एनिमल्स को स्केल होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इनर लेयर, उसको अपन एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो शरीर होता है
अपने शरीर के ऊपर होते हैं बाल, हेयर्स होते हैं, तो वो अपना एक्सोस्केलेटन हो गया, ठीक है, वो हो गया अपना एक्सोस्केलेटन। जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स पे, वो हो गए उनके एक्सोस्केलेटन। और पूरे के पूरे वर्ल्ड में 70 लाख एनिमल स्पीशीज होते हैं, प्रजाति होती है, तो इसीलिए हमको उनको क्लासिफाई करना पड़ता है। और जब हम एनिमल्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग करते हैं, उनके सिमिलैरिटीज को मद्देनजर रखते हुए, उनके डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, तो हम उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। समझा? यस। अभी हम जाएंगे ट्रेडिशन मेथड पे। भैया एनिमल क्लासिफिकेशन होने के बाद आप वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन भी लो ना। यस यस यस, वो भी ले लेंगे, ठीक है, वो भी ले लेंगे, टेंशन लो मत, ठीक है, फटाफट से लाइक ठोक दो। अभी स्टूडेंट्स हम जो जाएंगे ट्रेडिशन मेथड पे जाएंगे। बच्चा लोग बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, प्लीज ये समझ लो, आपके एग्जाम में ये आता है, ठीक है। अभी हम जाएंगे ट्रेडिशन मेथड पे ऑफ क्लासिफिकेशन एनिमल्स। सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दी ट्रेडिशन मेथड। ट्रेडिशन मतलब कि पहले जमाने में किस प्रकार से ट्रेडिशनल चीजें होती थी, वो वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द ट्रेडिशन मेथड्स। तो ट्रेडिशन मेथड जो होते थे स्टूडेंट्स, ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, जो ट्रेडिशन मेथड जो थे वो अलग अलग हिस्सों में बताए गए थे, ठीक है। ट्रेडिशन जो थे वो अलग अलग हिस्सों में बताए गए थे, विच इज कॉर्डेट्स, और अपने कौन से थे, विच इज नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। इन दोनों भाग में वो बताए गए थे अपने को, ठीक है, कौन से कॉर्डेट्स और अपने नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दो ना सामने, ठीक है, कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप पूछ सकते हो। सबसे पहले हम मूव करेंगे नॉन कॉर्डेट सेक्शन पे, ठीक है, एकदम अच्छे से ध्यान देना, नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, और फिर हम जाएंगे कॉर्डेट्स पे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे बस नॉन कॉर्डेट्स पे, पहला पॉइंट नॉन कॉर्डेट्स का। नॉन कॉर्डेट्स मतलब कि बच्चा लोग, इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। इनमें क्या एब्सेंट होता है? नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, मतलब कि इनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। नोटोकॉर्ड मतलब कि क्या बच्चा लोग, ठीक है, अगर आप नोटोकॉर्ड बोलो तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर होता है, बैकबोन पकड़ के चलो, जो कि सपोर्ट करता है बॉडी को। रॉड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्ट्स बॉडी, ठीक है, विच सपोर्ट्स व्हाट, विच सपोर्ट्स बॉडी, उसको अपन कहते हैं बैकबोन, समझा? तो ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होते हैं, उसको अपन कहते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो बैकबोन को ही अपन बायोलॉजिकल फॉर्म में उसको अपन कहते हैं नोटोकॉर्ड। नेक्स्ट नर्व कॉर्ड, देखो ध्यान से सुनना, नर्व कॉर्ड अभी हम देखने वाले हैं, विच इज नर्व कॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, नर्व कॉर्ड जो है स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट होता है पेड फॉर्म में। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट इन पेड फॉर्म। पेड मतलब कि अपने किसी के साथ तो भी होता है जुड़ा हुआ, इस प्रेजेंट, और ये जो होता है ये पैड में होता है। अभी नर्व कॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स, नर्व कॉर्ड क्या होता है कि भाई ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, या फिर नर्व हम अगर देखें तो नर्व मतलब कि शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। वो किसको किसको कनेक्ट करके रखते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ध्यान से समझना कि नर्व कॉर्ड इनमें होगा, लेकिन ये पेड फॉर्म में होगा। पेड मतलब कि किसी के साथ तो भी जुड़ा हुआ, अपना अलग नहीं होगा, ठीक है, अपना अलग नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम बात करेंगे, इसमें जो लोअर पार्ट होता है, ठीक है, इसमें जो लोअर पार्ट होता है,
लोअर पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रल साइड। लोअर पार्ट को क्या कहते हैं हम? वेंट्रल साइड कहते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स जो अपर पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट, ऊपर के पार्ट को अपन कहते हैं डॉर्सल साइड। ध्यान से समझना, ऊपर के पार्ट को हम कहते हैं डॉर्सल साइड। मतलब कि स्टूडेंट सपोज ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है। इस एनिमल का जो ऊपर का पार्ट है इसको अपन कहेंगे डॉर्सल साइड, और ये जो नीचे का पार्ट है ये है वेंट्रल साइड। मतलब देखो अगर मैं ऐसे रेंग गया, ठीक है, अगर मैं जमीन पे ऐसे हो गया तो मेरा जो चेस्ट है वो चेस्ट मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है, मेरा जो चेस्ट है वो नीचे आ रहा है। मतलब कि मेरा दिल ये वेंट्रल साइड पे है, दिल मेरा वेंट्रल साइड पे, और मेरा जो बैकबोन है वो डॉर्सल साइड पे। समझा क्या? देखो वापस एक बार बोल रहा मैं, वेंट्रल साइड मतलब कि सामने की साइड अपनी, ठीक है, जैसे मैं आपके पास फेस कर रहा हूं। डॉर्सल मतलब कि मेरे पीछे की, ठीक है, ये वाली साइड। तो मैं ऐसे नीचे अगर मैं ऐसे रेंगता गया, ठीक है, एनिमल जैसा अगर मैं रेंग रहा हूं, ठीक है, एनिमल जैसा मैं अगर रेंग रहा हूं, तो मेरा जो चेस्ट का भाग है, मेरा जो जहां पे मेरा हार्ट बिलोंग करता है वो नीचे आ गया, तो मेरा जो हार्ट होगा वो वेंट्रल साइड पे होगा, नीचे के साइड में, और जो मेरा बैकबोन होगा वो डॉर्सल साइड पे। समझा क्या? यस एवरीवन, समझा है? यस यस यस, फटाफट फटाफट। ओके ठीक है, अभी देखो और एक चीज बता रहा हूं, ठीक से ध्यान देना। तो हमेशा ध्यान में रखना इनके गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और इनका जो हार्ट होता है ना, पांचवा पॉइंट लिखता हूं, इनका जो हार्ट होता है हार्ट उल्टा होता है। इनका हार्ट है ना ऊपर के साइड पे होता है, डॉर्सल साइड पे, मतलब पीछे होता है। आप बोलोगे भैया पीछे? हाँ बेटा पीछे होता है, ठीक है। तो हार्ट इज प्रेजेंट, मतलब हार्ट अगर प्रेजेंट रहा ना, इफ हार्ट इज प्रेजेंट ना, इट इज ऑन डॉर्सल साइड। इट इज ऑन कौन सा साइड? इट इज ऑन डॉर्सल साइड। समझा? ये नॉन कॉर्डेट्स की स्पेशलिटी है, ये जो है ना ये नॉन कॉर्डेट्स की स्पेशलिटी है कि वो जो होता है वो कौन से भाग में होता है? हार्ट जो होता है वो डॉर्सल साइड में होता है। हाँ वो डॉर्सल साइड में होता है। भैया रोज लेक्चर 9 बजे होगा क्या? हाँ 9 बजे ही होगा, समझ लो। चलो क्लियर है बच्चा लोग इधर तक? और इसमें जो होते हैं गिल्स एब्सेंट होते हैं। गिल्स मतलब कि सांस लेने के लिए जो गिल्स लगते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं गिल्स आर एब्सेंट, ठीक है, गिल्स स्लिट्स आर एब्सेंट, गिल्स स्लिट्स आर एब्सेंट। गिल्स स्लिट मतलब कि जो फिश जहां से सांस लेती है वो वाले। सबको समझा? यस सबको समझा? फटाफट चैट में लिखो। क्लियर है? ये भी समझ गया था? ठीक है, तो देखो वापस एक बार बोल रहा हूं, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड मतलब कि बैकबोन उनमें नहीं होती है। नर्व कॉर्ड ये प्रेजेंट होते हैं पेड में। नर्व कॉर्ड मतलब कि न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, ठीक है, जिससे न्यूरॉन्स नर्व सेल उनको समझता है कि बाहर क्या हो रहा है। जो लोअर पार्ट होता है उसको वेंट्रल कहते हैं। तो लोअर पार्ट मतलब ये मेरा चेस्ट का भाग, और अपर पार्ट मतलब ये मेरा पीछे का मींस बैकबोन, तो वो होता है डॉर्सल साइड। और जो नोटोकॉर्ड होता है मतलब जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्ड मतलब अपन ट्रेडिशनल मेथड में डिवीजन किए, ट्रेडिशनल मेथड में पहले नॉन कॉर्डेट्स, इसके बाद कॉर्डेट्स पे जाने का है। और इनका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है, इनका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, ठीक है। अभी हम जाएंगे नॉन कॉर्डेट्स तो हो गया, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड ये था फर्स्ट वाला, ठीक है, ये था ए वाला। अभी अपने को डिवीजन करना है बी वाले में, मतलब कि अभी अपने को जाना है कॉर्डेट्स,
समझाना बच्चा लोग सबको एकदम अच्छे से। यस, नहीं समझा होगा तो वापस पूछ लो, मैं बता दूंगा, एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, लेकिन पहले चैट में बताओ मुझे। इनमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है, मतलब बैकबोन होती है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, इनमें नोटोकॉर्ड होता है, मतलब बैकबोन, बैकबोन इनमें है। फिर सेकेंड पॉइंट के बात करेंगे कि न्यूरॉन्स, मतलब बॉडी, जब व्हेन बॉडी ग्रोज तो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो इनमें ब्रेन भी होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रेजेंट, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों चीजें होती है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों चीजें इनमें होती है। ओके, फिर थर्ड वाले पे हम आएंगे। ऑलवेज प्रेजेंट इन सिंग, मतलब कि ऑलवेज प्रेजेंट और सिंगल होता है, मतलब कि ये पेड में नहीं होता है, मतलब न्यूरॉन्स अगर होंगे भी तो वो पेड में नहीं होंगे, ठीक है, वो सिंगल होंगे। वहां पे कैसे थे, पेड में थे ना, देखो यहाँ पे मैं लिख के दिया था ना, ये कैसा था, ये पेड में था, ये कैसा था, ये पेड में था, तो ये वाला कैसा है, ये सिंगल में है, ठीक है, ये कैसा है, ये सिंगल में है। ओके, ये चीजें ध्यान में रखना है। थर्ड वाला पॉइंट स्टूडेंट्स की डॉर्सल साइड पे होगा, ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड जो होगा या फिर नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड आर ऑन डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब कि बैक, आर ऑन बैक मतलब कि डॉर्सल साइड, ये चीजें ध्यान में रखना है। भैया आपने कौन सा एजुकेशन कंप्लीट किया है? मेरे पास 2 डिग्रीज है बेटा, ठीक है, 2 डिग्रीज है मेरे पास, विच इज मैंने पहले BCS कंप्लीट किया है, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, और फिर मैंने MCA कंप्लीट किया है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, तो अभी अभी मैंने कंप्लीट किया है, तो अभी मैं 23 ईयर्स का हूँ, ठीक है, तो इन दोनों ईयर्स में मैंने पास 2 डिग्री है, एक बैचलर की और एक मास्टर की, ठीक है, ये 2 डिग्रीज है मेरे पास। और 19 ईयर्स का जब मैं था तब से मैं एजुकेशन, मतलब टीचिंग कर रहा हूँ, पहले स्कूल्स में करता था, अभी ऑफलाइन है, ऑफलाइन में 200+ स्टूडेंट्स है, और ऑनलाइन पे भी अच्छे खासे बच्चे हैं, ऐप पे भी 5,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी लगभग 1 लाख से ज्यादा फैमिली है अपनी, ठीक है, 2 चैनल्स है वैसे मेरे, है ना, तो ये शारिया खान बोल रही है, सर आपका 10th में कितना आया था? 10th में बेटा मेरे को 95% आए थे, ठीक है, 10th में मेरे को 95% आए थे, जिसमें से 95% 10th, सॉरी 91 आए थे, 95 मेरे को साइंस और मैथ में आए थे, सॉरी फॉर दैट, 91% आए थे, जिसमें साइंस में 95 थे 100 में से, और मैथ में भी 95 थे 100 में से, ठीक है, साइंस 1 साइंस 2 मिला के होता है, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में भैया को महारत हासिल हो चुकी है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा पढ़ाने आता है, तो हम पढ़ा रहे हैं और आप जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे बढ़ते हैं। ओके, अभी मेरा बायोडाटा लो मत, ठीक है, मेरे लिए कोई ढूंढ रहे होगे तुम, बायोडाटा काहे को ले रहे मेरा, ठीक है, गुपचुप लेक्चर देखो, सीखो और समझो। ओके सर, क्लास 10 साइंस का 1 शॉट रिवीजन प्लीज। बेटा वो भी ले लेंगे, लेकिन एक बार आपने 96 बोला था, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, लिख के ले ले, कितने भी वीडियो निकाल ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने 96 बोला होगा, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो मेरे को भेज दिया ना, आज के आज चैनल बंद कर दूंगा मैं, ठीक है, 91% मेरे को मिले थे, 95 95 मैथ और साइंस में मिले थे, ठीक है, आपने कौन से ईयर में 10 दिया था? मैंने 2015 में दिया था मेरी 10वीं, ठीक है, इन 2015, 2015 में, ठीक है, लगभग 6 7 साल पहले, 6 साल पहले,
चलो अभी कमेंट्स पे थोड़ा इजी होगा। अच्छा बेटा, हमारे टाइम पे मालूम है हमको 80 मार्क का पेपर होता था एक साथ, साइंस वन साइंस टू देना पड़ता था। तुम्हारे जैसा नहीं है, हमको साइंस वन अलग साइंस टू अलग, ठीक है। 2015 में हमको 20 चैप्टर थे, तो हमको एक ही दिन में 80 मार्क के जैसे रहते ना वैसे करने पड़ते थे। इजी है बोले, ठीक है, इजी है बोले। अरे बेटा हमको मालूम क्या चीजें थी, ठीक है। एक ही दिन में हमको साइंस वन साइंस टू दोनों देना पड़ता था। तुम्हारे जैसा किस्मत नहीं है, नहीं तो टॉप मारते थे हम, 95 के ऊपर जाता था मैं। मैथ वन मैथ टू भी हमको एक ही दिन था, मैथ्स का पेपर एक ही दिन था, हमको अलग अलग नहीं था। मैथ वन मैथ टू हमको एक ही दिन था, 21 दिन 3 घंटे में खत्म करना था। तुमको तो भी अभी 4 घंटे मिलते हैं बस 80 मार्क का पेपर लिखने को, हमको 3 घंटे मिलते थे 80 मार्क का पेपर लिखने को, ठीक है। हमारा स्ट्रगल क्या जानो भाई तुम। हाँ बोले इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। गिल्स आर प्रेजेंट, स्टूडेंट्स ध्यान देना, गिल्स आर प्रेजेंट। अभी आप बोलोगे भैया हम में थोड़ी ना गिल्स होते हैं यार, ठीक है। आप बोलोगे हम में थोड़ी ना गिल्स होते हैं, गिल्स मतलब कि जो फिशेस में होते हैं, ठीक है, अपने पास नाक है। लेकिन स्टूडेंट्स गिल्स ये प्रेजेंट होते हैं लेकिन जब अपन एकदम छोटे होते हैं ना, एम्ब्रायो में। एम्ब्रायो मतलब कि आप जब मम्मी के पेट में होते हो एकदम बुटकू से, ठीक है, एकदम चिल्लर से जब होते हो ना आप, ठीक है, तो सबका एम्ब्रायो जो होता है वो सेम होता है, आपको मालूम होगा। एम्ब्रायोलॉजिकल इविडेंसेस, हम सभी जन एक ही प्रोटोप्लाज्म से बने हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड में है वो सभी जन एक ही इससे बना है, वो एम्ब्रायो बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सभी का एम्ब्रायो एक ही जैसा है। और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो उसका कन्वर्जन लंग्स में हो जाता है, व्हेन वी ग्रो अप, ठीक है। आया समझ में अपना, व्हेन वी ग्रो अप, ठीक है। अपन जब बड़े बड़े धीरे धीरे होने लगते हैं, एम्ब्रायो से सेल, फिर स्टेम सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन बॉडी, जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो फिर हमारा गिल्स से कन्वर्जन हो जाता है लंग्स में, ओके। फिफ्थ, स्टूडेंट्स मेरे को बताओ अभी हार्ट कौन से साइड में होगा, हार्ट वेंट्रल या डॉर्सल, चैट में लिखो, टाइम पास करो मत, फटाफट लिखो। हार्ट इज प्रेजेंट इन विच साइड, इन विच साइड, डॉर्सल या फिर वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सल या फिर वेंट्रल, विच इज वेंट्रल, शाबाश। सो हार्ट इज प्रेजेंट इन वेंट्रल साइड, ये क्या मैंने बोला ना, अपना चेस्ट का भाग जो होता है वो टाइप में। क्लियर है बच्चा लोग? नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। अभी स्टूडेंट्स ध्यान देना, ठीक है, अपन ने ट्रेडिशनल मेथड में तो क्लासिफिकेशन कर दिया, ध्यान से सुनो। ट्रेडिशनल मेथड में तो अपन ने क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है, कौन से इसमें, विच इज नॉन कॉर्डेट्स, और करे थे अपन ने विच इज कॉर्डेट्स में, ठीक है। अभी ध्यान में रखना, नॉन कॉर्डेट जो होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक से ध्यान देना, ठीक से मतलब एकदम ठीक से, ठीक से मतलब एकदम ठीक से। नॉन कॉर्डेट्स, अगर हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स बच्चा लोग 10 ग्रुप्स में फॉर्म किया गया है, ठीक है। कितने ग्रुप्स है, विच इज अराउंड अराउंड 10 ग्रुप्स, और वो जो ग्रुप्स होते हैं ना उसको अपन कहते हैं फाइला, ठीक है, उसको अपन कहते हैं फाइला। ये जो फाइला होता है ना ये प्लूरल फॉर्म में होता है, मतलब कि एक से ज्यादा होंगे तो उसको फाइला कहेंगे। और अगर वन ग्रुप होगा, अगर 10 में से 1 ग्रुप अपन ने बाहर निकाला तो उसको अपन कहेंगे फाइलम, समझ में आया ना? तो जब भी मैं फाइला कहूंगा, ठीक है, जब भी मैं फाइला कहूंगा तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट द होल ग्रुप, मतलब ग्रुप्स का ग्रुप्स। और अगर मैं फाइलम कहूंगा तो एक ही ग्रुप, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ट्रिप को जाते हैं तो अपन ने 5 6 ग्रुप्स बनाए बच्चों के, ठीक है, 5 5 बच्चों के 5 6 ग्रुप्स बनाए, तो एक ग्रुप को मैं फाइलम कहूंगा और वो सभी 5 6 ग्रुप्स को ग्रुप्स बना दिया मैंने तो उसको मैं फाइला कहूंगा। आया क्या समझ में, क्या बोला मैंने? यस आया समझ में, फटाफट चैट में लिखो।
यस, फिर इसके बाद हम जाएंगे कॉर्डेट्स पे। समझा ना? यस। अभी कॉर्डेट्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो सब फाइलम होते हैं, ठीक है? वो सब फाइलम होते हैं। कॉर्डेट्स को अपन एज अ सब फाइलम बोलते हैं, मतलब एक ग्रुप के अंदर और ग्रुप्स, तो उसको अपन कहते हैं सब फाइलम, ठीक है? दैट इज सब फाइलम। देखो, फाइलम मतलब कि ग्रुप, और सब फाइलम मतलब कि ग्रुप के अंदर और ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर और ग्रुप जो होते हैं उसको अपन कहते हैं, उसके कॉर्डेट्स के नाम है, विच इज यूरो कॉर डेटा। ये मैं आपको कल डिटेल में बताने वाला हूं। फिर सेकंड वाला है अपना वर्टिब्रेटा। ये छे 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 टाइप के होते हैं, ठीक है? कल डिटेल में हो जाएगा वैसे। वर्टिब्रेटा एंड ऑल, ये सभी चीजें होती है, ठीक है? ये सभी चीजें होती है। तो ये टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं चैट में लिखो, विच इज अराउंड 6 टाइप्स। तो मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे, ठीक है? ये क्या है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है? चलो, क्लियर है भैया? इंग्लिश ग्रामर का वीडियो बनाइए। यस बेटा, आई एम वर्किंग ऑन दैट, ठीक है नैना? मैं काम कर रहा हूँ बेटा उस पे, बहुत जल्दी उस पे हम ये करेंगे, मतलब बहुत जल्दी उस पे वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है? बहुत ही जल्द, उसका आप टेंशन लो मत, ठीक है? बहुत ही जल्द उस पे वीडियोस हम लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं यार, मेरा काम चल रहा है, ठीक है? तो एक बार अगर हमको समझ गया तो फिर हम लेके आ जाएंगे। अभी एक बच्चा मेरे को कमेंट कर रहा है, दादा माझी शाह 10:30 ते 5 पर्यंत असते, मैं अभ्यास कधी करूं प्लीज सांगा। सुबह कर ले भाई, सकाळी कर महादेव, तुझं नाव इतकं चांगलं आहे रे, ठीक है? तुझं वडिलांचं असल मला माहिती नाही, तुझं नाव इतकं चांगलं आहे, ठीक है? तर तू सकाळी कर ना, त्याच्यात विचारायची गोष्ट काय आहे, ठीक है? त्याच्यात विचारायची गोष्ट काय आहे? जर तुला सकाळी वेळ भेटत असेल, तुला माहिती आहे की आपल्याला सकाळी 12 वाजेपर्यंत आपल्याला काही कामं नसतात, तर तू सकाळी उठून अभ्यास कर। सकाळी 5 वाजताच उठून जा, रात्री नको करू, रात्री लवकर झोपून जा। सकाळी 5 वाजता उठ, 4 वाजता उठ, 5 वाजता उठ। जसे तू 5 वाजता उठला, उठल्यानंतर काय करशील, ब्रश वगैरह, तू एकदम फ्रेश होऊन जाशील। फ्रेश झाल्यानंतर आरामशीर अभ्यासाला बस, 11 पर्यंत 10 पर्यंत एकदम आरामशीर अभ्यास कर, मग नाश्ता कर, मग जा शाळेला, ओके? नाही, 5 वाजता आल्यानंतर मग क्लासेस वगैरह असेल तर होमवर्क करून घ्यायचं रात्री। आलं लक्षात? आता कमेंट पण तू डिलीट करून टाकली, ये क्या है रे भाई ऐसा? मतलब तुमको अभी बोले तो फिर तुम ऐसा करते, ओके? अभी स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीजें बता के जा रहा हूं। ये जो थे ये ट्रेडिशन अपन ने देखे। अभी कल जो होगा, कल मैं आपको मॉडर्न चीजें बताऊंगा, ठीक है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर थोड़ा डिटेल में जाएगा, 5-6 पार्ट्स में जाएगा, चलेगा ना सबको? हर दिन हर रात 9 बजे अपना लेक्चर होगा, तो ध्यान में रखना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हर रात 9 बजे, 9-10 तक वेट कर लेना, ठीक है? हर दिन मैं 9-10 तक लाइव आ जाऊंगा एनी हाउ, ओके? सो मेथड्स मतलब कि बेसिकली मेथड्स आर नथिंग बट इट इज द क्राइटेरिया, ठीक है? मेथड्स आर नथिंग बट इट इज द क्राइटेरिया, ठीक है? चेतन बोल रहा है, सर सिपेलो कॉर डाटा कहाँ पे गया? बेटा मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये देख मैंने क्या बोला, ये मैं आगे बताने वाला हूँ ना आपको, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 टाइप्स लिख दिया है चेतन, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। सेकेंड टाइप जो होता है वो होता है, फिर थर्ड टाइप वर्टिब्रेटा आता है, ठीक है? तो सेकेंड टाइप वो होता है, फिर थर्ड टाइप वर्टिब्रेटा आता है, ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ठीक है? यहाँ पे लिख देते हैं सिफेलो कॉर डेटा, ठीक है? अभी क्लियर? तो हम देख रहे थे, ओके, क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया होता है ये उनके कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है। ये जो क्राइटेरिया होता है ये किस पे बेस्ड होता है? ये उनके कैरेक्टर्स पे बेस्ड होता है, ठीक है? अभी स्टूडेंट्स, इस पे जो होता है ना, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ठीक है? नो डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं यहां पे लिख देता हूं, नो डायरेक्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, एग्जाम में ना इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है,
सॉरी बच्चा लोग, थोड़ा कल बाहर गया था, आइसक्रीम खा लिया है, सर्दी हो गया है भैया को। ओके तो नो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे अभी स्टूडेंट्स, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है आगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आगे, तो ये ध्यान में रखना। कैसे प्रिपेयर करें सर, फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक कैसे प्रिपेयर करें बेटा, थर्ड पार्ट में समझेगा, ठीक है। अभी ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है, कल मैं पूरा क्राइटेरिया पे डिटेल में लेने वाला हूँ और फिर हम जाएंगे अपने विच इज फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जिससे तू एकदम खुश हो जाएगा, तू बोलेगा वाह भाई वाह, क्या पढ़ा दिए भैया आपने, ठीक है भाई साहब। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है, बस एंड कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे 5 किंगडम्स बनाए गए हैं, ठीक है, 5 किंगडम्स बनाए गए हैं, और ये जो 5 किंगडम है ये विटेकर ने बनाए हैं, ठीक है। ये जो 5 किंगडम्स है ये किसने बनाया है, ये रॉबर्ट विटेकर, रॉबर्ट विटेकर, इन्होंने ये बनाए हैं, ठीक है, 5 किंगडम्स। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, ओनली ओनली मल्टी सेलुलर, ओनली मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर क्लासिफाइड, इसमें बस कौन क्लासिफाई किया गया है, आर क्लासिफाइड और इंक्लूडेड इन किंगडम एनामेलिया, इन किंगडम एनीमेलिया, समझा, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पे हम सेशन को कर रहे हैं एंड, और कल हम देखेंगे, ठीक है, एंड ऑफ पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 का हो चुका है यहाँ पे एंड, ठीक है, पार्ट 1 का यहाँ पे हम करते हैं क्या, विच इज एंड, ठीक है, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, एक बार चैट में लिखो फटाफट, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स भी बन चुके हैं, तो ये आपको मिलेंगे। देखो कल जो हम शुरुआत करने वाले हैं, टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्राइटेरिया, ठीक है, कल जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हम क्राइटेरिया से शुरुआत करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्राइटेरिया, चलेगा। एक बार चैट में लिखो, एक बार चैट में लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइज लिसन टू सर केयरफुली, रियली सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच सर। इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करना है बेटा, आगे चल के समझ में आएगा, ठीक है, अभी तक तो बहुत सिंपल है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फटाफट से, देखो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं आज क्या क्या हुआ है। एनिमल क्लासिफिकेशन आप देख रहे थे, एनिमल मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई टेरिस्ट्रियल होते हैं, कोई एक्वेटिक होते हैं, कोई कोई एनिमल जो होते हैं वो क्रॉल करते हैं, फिशेस के पास होते हैं फिन्स, बर्ड्स के पास होते हैं पंख, कुछ कुछ एनिमल जो होते हैं उनको होता है स्केल्स, जो कि उनके शरीर को बचा के रखता है अंदर के लेयर को, उसको अपन एक्सोस्केलेटन कहते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स, बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं जो कि उनको बचा के रखते हैं उनके अंदर के शरीर को, और ह्यूमंस के भी शरीर पे होता है हेयर्स जो कि उनके शरीर को बचा के रखता है। पूरे दुनिया में 70 लाख एनिमल्स के प्रजाति पाए जाते हैं जिनको क्लासिफाई करना बहुत नेसेसरी है, और उनको हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद ट्रेडिशन मेथड मतलब कि पुराने जमाने में किस प्रकार से उनको क्लासिफाई करते थे, तो उनको हम 2 प्रकार से क्लासिफाई करते थे, एक करते थे नॉन कॉर्डेट्स और दूसरा करते थे कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब कि स्टूडेंट्स जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता है, ऐसे कैसे भी घूमते मस्त शकालाका बुम बुम शकालाका बुम बुम, ठीक है, वो होते हैं उसको कहते हैं अपन नोटोकॉर्ड, नहीं होता है। नर्व कॉर्ड जो होते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड इनमें प्रेजेंट होते हैं, नर्व मतलब कि न्यूरॉन्स, तो लेकिन वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, पेयर्ड पेयर्ड, ठीक है, पेयर्ड मतलब कि लिंक फॉर्म में। फिर उसके बाद लोअर पार्ट को वेंट्रल कहते हैं, ये वाला पार्ट वेंट्रल, पीछे वाला पार्ट डॉर्सल, इनको अगर हार्ट होगा, दिल होगा अगर इनको, तो वो डॉर्सल पार्ट में होगा, इनमें गिल्स नहीं होते हैं। कॉर्डेट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन भी होता है, सिंगल सिंगल नर्व सेल्स होते हैं,
गिल्स प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रायो के फॉर्म में, जब अपन एकदम छोटे होते हैं एम्ब्रायो में, तब जब हम बड़े हो जाते हैं तो लंग्स हो जाते हैं वो, और हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है। फिर नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के अपन ने देखे, और यहाँ पे अपन ने देखा मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो कि 5 किंगडम्स रॉबर्ट विटेकर ने दिए, और उन्होंने मल्टी सेलुलर एनिमल्स को क्लासिफाई किया, जिनको मतलब कि उनको ही बस उन्होंने एनिमल एनिमेलिया में रखा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लियर टू यू। कल हम क्राइटेरिया से शुरू करेंगे, तो कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक है, हर दिन हम 9 बजे मिलेंगे, एवरी डे। ठीक है, हर दिन हम रात को 9 बजे से लेके तो 9-10 के बीच में, ठीक है, पकड़ के चलो 9-10 के बीच में हम मिलेंगे। तो कल का सेशन भी बिल्कुल मिस मत करना, जितने भी बच्चे आज थे 20-25 बच्चे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। बाय कर दो फटाफट, फिर भैया एंड कर रहे हैं सेशन को। ठीक है, ठीक है, ये पीडीएफ फाइल एकदम सेव करके रख रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। ठीक है, मस्त तुमको मिलेगा पीडीएफ फाइल एकदम अच्छे से। सर साइंस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन, बेटा वो भी आएंगे आगे चैप्टर में आएंगे, उसका टेंशन लो मत, आगे चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। ओके okay, तो चलो भाई मिलते हैं, टाटा, मिलेंगे कल इसी समय। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। सर इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करना है? बेटा कल समझ जाएगा, मैंने जैसे बोला। ठीक है, सो बाय एवरीवन, बाय बच्चा लोग, और थैंक यू सो मच। हमारे फैमिलीज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। ठीक है, और ऐसे ही यार चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि आपको भी पता है 10th स्टैंडर्ड पे सबसे ज्यादा मेहनत स्टेट बोर्ड वाले भैया ही ले रहे हैं, आपको भी ये चीज पता है। तो आपका भी ये काम है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, भैया को सपोर्ट करना। सो थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग फॉर टुडे सेशन बच्चा लोग, मींस अ लॉट आपने आज का सेशन ज्वाइन किया। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ, पीस।